नैनवा थाना क्षेत्र के एनएच 148 डी के पास ट्रक और बोलेरो गाड़ी में जबरदस्त भिड़त हो गई, जहां हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं सरपंच वार्ड पंच सहित 3 लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। नैनवा थाना क्षेत्र के कचरावता के पास नैनवा एनएच 148 डी पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। बीती रात कचरावता गांव के पास ओवरटेक करते समय ट्रक और स्कॉर्पियो गाड़ी में भिड़त हो गई। हादसे में एक की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं गंभीर सरपंच वार्ड पंच हनुमान सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, वहीं घायलों को नैनवा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया है, जिनका कोटा अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर नैनवा पुलिस मौके पर पहुंचे, मृतक मीठालाल को नैनवा अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। सुबह नैनवा थाना हेड कांस्टेबल राधेश्याम मीणा व बहादुर सिंह ने नैनवा अस्पताल पहुंचकर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर एएसआई भवरलाल ने कोटा अस्पताल पहुंचकर हादसे में हुए घायलों का पर्चा बयान लिया है। बयानों के आधार पर पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर कल दिनांक 2/7/2020 की रात्रि की घटना है। इतला मिली थी कि कोई हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है। इस इतला पर एसएचओ साहब श्रीमान सीओ साहब पधारे थे। इसमें मीठालाल पुत्र बजरंगलाल मीणा निवासी गंभीरा की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए उच्च अधिकारी के आदेश पर मैं नैनवा हॉस्पिटल आया हूँ, जिसका पोस्टमार्टम करा कर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई है।